अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं नहीं हूँ ठीक। तो कल जुम्मे का दिन था, कल डॉक्टर के पास गई थी। तबीयत तो मेरी जुम्मे रात से ही बहुत ख़राब थी, तेज़ बहुत तेज़ बुखार था। तो घर में कोई भी नहीं था, मेरे हस्बैंड भी जॉब में थे। मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया था तो वो आई थी, सिस्टर आई थी, मेरी छोटी सिस्टर आई थी। तो मेरे हस्बैंड का वेट हो रहा था कि वो आए तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो मैं उनके बगैर जा नहीं रही थी क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना, मेरा रूम है चौथे फ्लोर पे, तो वालदा तो मेरे ऊपर आ नहीं सकती, उनके भी घुटनों का मसला है। सिस्टर मेरी छोटी वाली, वो मुझे पकड़ के लेके जा नहीं सकती थी, ऐसी वीकनेस हो गई थी मुझे। तो जुम्मेरात को तो मैं गई नहीं थी। जुम्मे को जो है ना, डॉक्टर जो थे सारे बंद थे, एक ही क्लिनिक खुला था, तो वो डॉक्टर रहमान का था। वहाँ मजबूरन मुझे दिखाना पड़ा, दिखाया, वहाँ पे ड्रिपें लगाई, इंजेक्शन वगैरह लगाए, पर मेरी ना तबीयत सही नहीं हुई ना, बहुत मुझे कमज़ोरी और बुखार में, पूरी रात बुखार में बेहोश ही रही। ठंडे पानी से मेरे मियाँ जो है ना टकोर करते रहे। पैनाडोल जो टैबलेट होती है ना, वो भी इतनी खा नहीं सकते, तीन टाइम के हिसाब से खा सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ उनकी दवाइयों का। तो खैर मेरे बच्चे बीमार होते तो मैं वहीं लेके जाती हूँ, अच्छी होती हैं उनकी दवाइयाँ। पता नहीं मेरी तबीयत क्यों नहीं सही हुई। तो आज हफ्ते का दिन है, तो आज भी मेरे हस्बैंड ने देखी छुट्टी कर ली, क्योंकि जो है ना उनकी छुट्टी करते हैं ना तो सैलरी, उनकी सैलरी में से 1000 रुपीज़ कट हो जाते हैं। कल की भी कर ली, आज भी कर ली, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही हो रही। तो अभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो वहाँ देखते हैं क्या होता है। ड्रिपें लगाई थी कल मैंने ना, तो मेरी नब्स नहीं मिल रही थी बहुत, दोनों हाथ मेरे सुराख कर करके इन्होंने जब नब्स ढूंढी है, इतने मुश्किल से ड्रिपें लगाई हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं जल्दी से सही हो जाऊँ, क्योंकि मैं अपने घर की एक ही मालकिन हूँ। क्योंकि मैं अगर बीमार हो जाऊँगी तो फिर कौन करेगा। मेरे बच्चे सुबह जाते हैं पढ़ने, हस्बैंड भी सुबह जॉब पे जाते हैं, नाश्ता बनाना करना, मैं एक अपने घर की जो ना सरबरा, मतलब समझे, मैं पूरा घर चलाने वाली, मैं बीमार हो जाऊँगी तो कैसे होगा। फिर आप लोग मेरे लिए दुआ करना और मेरे साथ ही रहें। मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, वहाँ देखते हैं क्या होता है। ड्रिप तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी नब्स नहीं मिलती, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, नब्स बिल्कुल भी मेरी नहीं मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दवाई ले आऊँ। और मुझे क्या हुआ है, मुझे ना पूरे जिस्म में दर्द है। और असल में मेरी रूटीन ऐसी है ना, सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता बनाना, फिर मतलब अच्छी रूटीन है, मतलब उसमें पता नहीं क्या ये हुआ है और समझ में मेरे नहीं आता है कि पूरी बॉडी में मेरे पेन। फिर हुआ मुझे बुखार, फिर बुखार में पड़ी रही। फिर उसके बाद जब डॉक्टर से दवाई लेके आई तो मुझे उल्टियाँ लग गई, वोमिटिंग इतनी होती है, मैं कुछ खाऊँ ना तो वो मेरे पेट में रुक नहीं रही है, उल्टी हो जाती है फौरन। तो इस वजह से कमज़ोरी हो गई थी, तो उन्होंने ड्रिप लगा दिया। अब जा रही हूँ दूसरी जगह पे मैं, तो देखती हूँ वो लोग क्या करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में जो नया है वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पहले से जो दोस्त हैं, भाई बहन मेरे जो भी हैं, वो लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें। और प्लीज़ वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। एक तो वो है दो, क्या कह रही थी मैं, तकलीफ़ है। तो अब मैं जा रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ही रहें, ठीक है। तो चलते हैं, दिखाती हूँ कौन से डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। चेयर पे बैठ के मैंने लगा ली है, नब्स एक ही दफ़ा में मिल गई और लगा ली, ठीक है। तो और ये दवाई है, ढेर सारी इन्होंने दवाई दे दी है। तो अब ये खाना है मुझे, तो दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ठीक है। और ये डॉक्टर लेडीज़ हैं, अच्छी है, मैं पहले भी उनसे दवाई लेती थी, मगर क्या कल जुम्मा था तो इसलिए मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ा, इनका बंद था।